नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों आज है मंडे और करनी है बात आपसे टॉप नाइन, टॉप एट की बात करूंगी, क्योंकि नौवां सदस्य तो अभी आया है और दसवां तो गेस्ट है। तो टोटल दस तो हो चुके हैं, मगर आठ हैं जो अभी एक्टिव हैं। नौवां एक्टिव होगा अभी कमिंग वीक में, उसके बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि आपका कोई कमेंट मेरे पास आया नहीं है। तो खैर मैं बात कर रही हूँ आरोह की, आरोह को इस टॉप एट में मैं शामिल नहीं करूंगी। बाकी के लोगों की बात करते हैं कि पिछले जो हफ्ता निकला है उसके हिसाब से कौन नंबर वन पे है और कौन नंबर एट पे है। तो बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। शुरुआत करते हैं नंबर आठ से। तो नंबर आठ पे है माधव, यानी कि सबसे पिछले नंबर पे है माधव। पिछली बार भी सबसे लास्ट नंबर पे थे माधव, इस बार भी लास्ट नंबर पे है। इनकी गेम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है लोगों को, ना ही हमारे चैनल को। तो माधव का नंबर इस बार फिर से लास्ट में है, यानी कि नंबर एट। नंबर सात पे है रूपाली भोसले। जी हाँ दोस्तों, इसने एक नंबर ऊपर उठाया है। अभी पिछली बार नंबर नौ पे थी, इस बार नंबर सात पे आ गई, यानी कि सेकंड लास्ट हो गई है ये रूपाली भोसले। रूपाली भोसले अब क्योंकि कैप्टन भी बनी है और बहुत सारी चीजें हुई हैं घर के अंदर, जिसको लेके रूपाली के कमेंट्स आ रहे हैं, रूपाली के फैंस के कमेंट्स आ रहे हैं, और ये भी आ रहे हैं कि रूपाली को आगे लेके चलो, रूपाली आगे जाएगी, ये सब कमेंट्स रूपाली के लिए आने शुरू हो गए हैं। मगर नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा है, इसलिए रूपाली है नंबर सात के ऊपर। वीना के फैंस के लिए ये थोड़ी सी सैड न्यूज है कि वीना है नंबर छह के ऊपर। टॉप वन की कंटेस्टेंट का नंबर छह पे आना थोड़ा चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार वो नंबर चार पे थी और उससे पहले काफी अगर पीछे हम जाएं तो नंबर वन पे भी रही है वीना एक दो हफ्ते, मगर अब नंबर छह पे आ गई है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। वीना को गेम इम्प्रूव फिर से करनी पड़ेगी, वापस से वो गेम खेलनी पड़ेगी जो गेम वीना खेल रही थी, और उनके फैंस को भी जागना पड़ेगा कि वीना के लिए के कमेंट्स अभी बहुत कम हो गए हैं। आते हैं कमेंट्स, ये नहीं है कि नहीं आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मगर पहले बहुत आते थे, अब कमेंट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि वीना की गेम में लोगों को अब कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो इसलिए वीना को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और आपके जो फैंस हैं वीना के फैंस हैं उनको भी कमेंट्स करने पड़ेंगे अगर वो वीना को जिताना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट्स से पता चलता है कि वोटिंग भी कितनी पड़ रही है इन लोगों को। तो ये चीज बहुत जरूरी है, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि वीना जो है इस बार नंबर छह पे है, नंबर वन की खिलाड़ी नंबर छह पे आ गई है। तो वीना का नंबर कौन सा है? छह। पे आ गई है हिना पंचाल। जी हाँ दोस्तों, हिना पंचाल की गेम बहुत ही अलग है, वो धीरे धीरे करके अपने नंबर आगे बढ़ाती जा रही है। पिछली बार नंबर छह पे थी, इस बार नंबर पांच पे है। इनके लिए कमेंट्स में बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं कि हिना के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लोग बोल भी रहे हैं, और इन्होंने अपने फैन जो है अभी सोशल मीडिया पे कमाने शुरू किए हैं। मुझे नहीं लगता क्योंकि जब हिना आई थी इनके कमेंट्स पहले से आने शुरू हुए थे, नहीं वीना ये सब जो पहले से टीवी पे छाए हुए हैं इनको पहले से फैन फॉलोइंग मिली हुई है, जैसे कि रूपाली, वीना, किशोरी, इनकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी लेके घर के अंदर गए हैं, मगर हिना का ऐसा नहीं है। हिना को फैन फॉलोइंग यही बिग बॉस से ही मिल रही है, तो हिना की फैन फॉलोइंग दोस्तों बढ़ रही है, इसलिए हिना है नंबर पांच के ऊपर। नंबर चार पे आ गई है किशोरी ताई। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते वो नंबर दो पे थी क्योंकि उन्होंने लास्ट टू लास्ट वीक में अच्छा परफॉर्म किया था, मगर इस हफ्ते उन्होंने परफॉर्म अपनी तरफ से अच्छा किया। जैसे कि आपने देखा होगा मर्डर मिस्ट्री टास्क में वो तीन बार बूथ के अंदर गई, इवन भाग भाग के सबसे पहले जाना और ऐसे करना बहुत बड़ी बात है, मगर उन्होंने गेम को दिमाग से नहीं खेला, फिजिकली उन्होंने परफेक्ट ही खेला, भाग भाग के जाना वो सब, मगर वो तीनों बार गई और तीनों बार उन्होंने एक ही बंदे की सुपारी दी, वो थी शिवानी। तो शिवानी की सुपारी बार बार देने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि अगर एक बार में शिवानी को मर्डर के लिए नहीं चुना जाता है, मर्डर नहीं होता है शिवानी का, दूसरी बार भी नहीं होता है, तो तीसरी बार आपको अपना कंटेस्टेंट बदलना चाहिए था। तो उन्होंने दिमाग से नहीं खेला, ये कमेंट्स में हमें लोगों ने बोला भी है, मगर फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, तो इसलिए वो है नंबर चार के ऊपर। तो दोस्तों नंबर तीन पे है
मिस्टर केलकर यानी अभिजीत केलकर बहुत ही स्पीड से आगे आते जा रहे हैं। अब उनकी गेम लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ रही है कि केलकर आखिर चीज क्या है, तो उनको कमेंट्स सब कुछ बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो उनके लिए तारीफें भी बहुत हो रही हैं कि केलकर ने कैसे मर्डर मिस्ट्री टास्क खेला, कैसे ये किया, कैसे वो किया। तो ये सब काउंट करके उनका जो नंबर बनता है 3, जबकि पिछली बार केलकर थे नंबर 5 के ऊपर, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो केलकर के लिए नंबर 3 परफेक्ट है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। आखिरकार नंबर 2 पे आ गए हैं शिव। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार नंबर 3 पे थे, मुझे डर था कि कहीं 3 से और पीछे न चले जाएं 4 या 5 पे, जैसे कि वीना 6 पे चलेगी। मगर शिव के फैंस शिव के लिए बहुत ही वरीड है और उस वरी में से वो बहुत कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे शिव के बहुत फैंस और बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, इवन मुझे भी डांट देते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो शिव के बारे में। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी शिव को बहुत पसंद करती हूँ। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे लगता है, दिल से फील होता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे तो याद है एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि आप बार बार शिव और वीना के खिलाफ ऐसी वीडियो क्यों डालते हो। भैया क्यों नहीं डालूंगी, वो दिखता है वही डाल रही हूँ, कि वो जो समझ में आ रहा है वही डाल रही हूँ। तो ये चीजें जो है मुझे भी अच्छी लगती है, जो दिखाती है कि आप लोग हमारे वीडियोस को कितना पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, मगर देखते जरूर हो। तो ये चीज जो शिव को लेके मैंने जो बोली थी, अब लगता है वो शिव के पास वो फीडबैक पहुंचनी शुरू हो गई है, आप लोगों की फीडबैक पहुंचनी शुरू हो गई है, इसलिए शिव को इस वीकेंड या डाउ में भी ये चीजें सुनाई दी गई और उसकी गेम इम्प्रूव होगी। मैंने अपने रिव्यू में भी बोला कि अब लग रहा है कि उसकी गेम फिर से वापिस आएगी जो वो खेल रहे थे। तो इस बार शिव है नंबर 2 के ऊपर। नेहा शितोले फिर से, पिछली बार भी वो नंबर 1 पे थी, इस बार फिर से नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि इनसे अच्छा परफॉर्म किसी और ने नहीं किया है, जबकि नेहा शितोले ने भी वैसा ही परफॉर्म किया जो पिछले हफ्ते किया था, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, मगर इनसे बेटर किसी ने नहीं किया है, इसलिए नेहा शितोले नंबर 1 पे है इस बार फिर से। कैसे लगे ये नंबर 8 आपको, आप कमेंट करके बताइएगा और देखते रहे हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।